नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। झारखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च तक पूर्ण तालाबंदी यानी लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पूरे राज्य में 144 लगा दिया गया है। अगर जो भी इनका उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा हेमंत सरकार ने इस संबंध में, तो देखिए पूरी खबर में। 144 का मतलब ये नहीं है कि कर्फ्यू है। एहतियातन आम जगहों पर लोगों को एक साथ हुजूम करने की आवश्यकता नहीं है और सब लोग एक दूरी बना करके अपने कार्यों को करें। आज कई जिलों से बात हुई है, सब लोग अपने अपने तरीके से काफ़ी मुस्तैदी के साथ लोग तैयार हैं और हम सभी लोगों से ये भी अपील करना चाहेंगे कि कोई भी नागरिक हो इस राज्य का, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर अपने आप को अकेला महसूस करते हो या उनके पास व्यवस्थाएं ना हो तो वो सरकार से आग्रह करें और उनके लिए सरकार जो भी इस संक्रमण से संबंधित विषय है वो उसके साथ उसको हर संभव मदद पहुँचाएँ। अच्छा, ये बात सही है, हमारे राज्य में मजदूरों की, डेली कमाने वाले लोगों की और डेली जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए समस्या है। समय हमने उनके लिए उनके घर में राशन कैसे उपलब्ध हो, खाने का व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो, ये भी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है विभाग के स्तर पर सभी जिलों में। यहाँ तक कि मुखिया को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है कि गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसकी पूरी चीज़ें सुनिश्चित ग्राम स्तर पर होगी और जैसे ही कहीं पर भी इस तरीके की खबर होगी तुरंत सरकार के लोग वहां जाकर के उन सभी समस्याओं का दूर करेंगे। और साथ साथ में हम रोजगार सृजन करने के भी बात हम लोगों ने चर्चाएं की। ऐसा नहीं है कि ये एकदम पूरा तरीका से इसको बंद किया गया है, यानी रोजगार भी चलेगी, मजदूर हम लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर लोग इस संक्रमण से बचे हुए हैं या बच सकते हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग बाहर नहीं गए हैं ना बाहर से आए हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से कई रोजगार चल सकते हैं, मनरेगा के माध्यम से रोजगार दी जा सकती है। तो ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल आपके लिए सारे रास्ते बंद और सभी बेहतर उपाय सभी स्तर पर हम लोग करें।